पहले चेंज कर, अच्छा तीन चेंज कर दिए लेकिन मजा ना आया बिल्कुल भी। आया। कुछ किसान साथी देखो यूँ डरे हैं कि जी ये तो बहुत भारी सा है तो बड़ा ही ट्रैक्टर चला सके, ना, 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 बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ ना। एडजस्टमेंट के लिए अलग से भाइयों ये क्लैंपे दे दिए नीचे, इसमें हेल्पर दे दिए, ये देखो यहाँ पे वेल्ड ना भाइयों, कोई मेंटेनेंस तो ना आया, नहीं कोई मेंटेनेंस नहीं। अच्छा एक चीज मुझे खास देखने को मिल रही है कि गन्ना वीडर के अंदर बिल्कुल भी खड़का ना, ये देखो भाई गहराई भी काफी शानदार लेता जा रहा है। अरे चाचा पे है 35 ट्रैक्टर, देखो वो खड़ा सामने, हाँ 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 उसी पे जोड़ा। अच्छा वो भी चला, वो अपना काम कर लेते हैं उस पे जोड़ के। शानदार तरीके की जुताई, शानदार गहराई और छोटे ट्रैक्टर पे कामयाब। नमस्कार दोस्तों, किसान मित्र रिंकू यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो मेरे उन किसान साथियों के लिए काफ़ी खास होने वाली है जो भाइयों ईख की खेती करते हैं। भाइयों आज मैं पहुंचा हूं गांव रतुपुरा में जो डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर पड़ता है। भाइयों यहाँ से मैं निकल के जा रहा था और यहाँ पर मुझे एक किसान साथी मिले जिनके पास मुझे काफ़ी शानदार गन्ना वीडर दिखाई दिया। भाइयों इसे गन्ना रोटावेटर भी बोलते हैं, इंटररो वीडर भी बोल देते हैं। तो भैया इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेंगे और इनके पास जो ट्रैक्टर है लगभग 40 हॉर्स पावर का है जिस पे चला रहे हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेंगे, कौन सी कंपनी का गन्ना वीडर लेके आए हैं और कैसे विचार बना इसे ख़रीदने का। तो जो किसान साथी हैं भाइयों उनसे मिलाऊंगा, बिल्कुल ईख के खेत में ही खड़े हैं, जिस तरीके की ईख की जुताई होनी चाहिए भाई उसी तरीके खेत में आ गया हूँ आज, और यहाँ से ना प्रॉपर जुताई करता हुआ इसे चलता हुआ भी दिखाऊँगा, प्रॉपर जानकारी लेंगे। तो भाइयों हमारे साथ हैं किसान साथी, अभी मिलवाना चाहूँगा और इंट्रोडक्शन ही कराऊंगा। अच्छा नमस्कार जी, तो भैया एक बार नाम पता बताओ अपना। नन्ने खान गांव रतुपुरा डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। अच्छा नन्ने खान जी मुझे ये बताओ, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ आपके पास है गन्ना वीडर या इंटर रो वीडर जैसे इस पे लिखा है, तो कब खरीद के लाए इसे? पिछले सीजन में। अच्छा तो ईख की खेती करते हो भैया? ईख की खेती करो, 80% हमारे यहाँ ईख की खेती। अच्छा 80% यहाँ पे ईख की खेती हो, क्योंकि पड़ोस में यहाँ मील है आपके जो सिंभावली शुगर मिल जिसे बोलते हैं, हाँ तो उस वजह से भी ज़्यादातर यहाँ पे ईख की खेती होती है। तो नन्ने खान जी मुझे ये बताओ कि विचार कैसे बना इस गन्ना वीडर खरीदने का? हमारे खागोई वाले आलम भाई थे। अच्छा अब हमने कई पीछे रूटर कई बदल दिए, हाँ वो सही नहीं लगे। अच्छा कुछ शिकायत किसी में, तो शिकायत फिर हम बैठे थे, आलम भाई बोले ना कि मैं रूटर ये चला रहा हूँ, तो उन्होंने दिखवा था। अच्छा इससे पहले भी आप कोई और गन्ना वीडर या इंटर रो वीडर चला रहे? हाँ तीन रूटर पहले चेंज। अच्छा तीन चेंज कर दिए लेकिन मजा ना आया बिल्कुल भी? मजा नहीं आया। अच्छा तो फिर आपके जो मित्र या दोस्त हैं आलम भाई, हाँ जी, उन्होंने आपको सलाह दी कि आप ये, अच्छा एग्रीगेट वालों का आयो जी, एग्रीगेट वालों का जी, ये इंटर रो वीडर लें। अच्छा तो तब आपने जाके ये खरीदा? जब सरदार जी के यहाँ से हम लाए। सरदार जी के यहाँ से, कहाँ से जी? हापुड़ से। हापुड़ से, अच्छा भाइयों ये हापुड़ से खरीदा इन्होंने, ये देख लो बता, तो काफ़ी शानदार रहे। बाकी भाइयों वीडियो में चलता हुआ भी दिखाऊंगा आपको और पूरी परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि इन पे एक तो 40 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है इस पे चला रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान साथी ये डरे हैं। 35 भी चला रहा हूं। 35 भी चला दे, 35 कौन सा तुम पे? 10-35। अच्छा जी मैसी का। अच्छा ना कुछ किसान साथी देखो यूँ डरे हैं कि जी ये तो बहुत भारी सा है तो बड़ा ही ट्रैक्टर चला सके, ना, 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 बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ। अच्छा जी भाई बता रहे हैं मात्र 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर इसे रन कर सके या चला सके ईख के खेत में, तो प्रॉपर चलता हुआ भी दिखाऊंगा एक बार, पहले इसे देख लो आप। और भी किसान साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात कराऊंगा। वैसे क्वालिटी वाइज तो मुझे काफ़ी शानदार लग रहा है ये, बाकी इसकी जानकारी भाइयों और जो डीपली नॉलेज है वो भी दूंगा मैं जो मुझे दिख रही है। औरों से काफ़ी बेहतर है भाई, औरों से बेहतर है, क्योंकि किसान साथी ने इससे पहले 3 गन्ना वीडर और चला के परेशान हो गए तब ये खरीदा है, तो भाई बहुत ज़्यादा खोजबीन करके ही लाए इसे, समझे जी। ये देख लो तो पूरा चलता दिखाऊंगा, बाकी क्वालिटी वाइज देख लो काफ़ी शानदार है। अच्छा जैसे एक सीजन से चला रहे तो पेंट तो बरकरार है जी, है पेंट तो अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी कल परसों लेकर आए हो इसे, इसमें कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत ना है। अच्छा मुझे लग रहा है पाउडर कोटेड पेंट है ये। अच्छा इस सामने देखो भाइयों पाउडर कोटेड पेंट है वो तो दिखने से ही पता चल रही है, क्योंकि भाइयों ये जो पेंट होता है ना जल्दी से ना तो उतरता और ना ही कोई मतलब धूप से या किसी बारिश या ओस से जल्दी से उड़ता। बाकी ये देख लो गन्ना वीडर आप काफ़ी शानदार है और इसमें 12-12 के 3 सेट लगे हों ब्लेडों के, ये देख लो।
तो ब्लेड भी काफ़ी शानदार लग रहे हैं भाइयों मुझे तो, ये तो बढ़िया लगा भाइयों। गियर बॉक्स काफ़ी तगड़ा बता रहे हैं। अच्छा वजन के बारे में कुछ पता जी? 6 क्विंटल के समथिंग, 6 क्विंटल के आसपास इसमें वेट बता रहे हैं किसान साथी। और एक चीज़ और काफ़ी शानदार देखने को मिली, क्योंकि गन्ना वीडरों की वीडियो मैंने और भी बनाई है हमारे उसमें शुरुआत, हाँ इसमें ना एडजस्टमेंट के लिए अलग से भाइयों ये क्लैंपें दे दी हैं कि दो दो चूड़ी खोलो और साइड में कर लो, 5 मिनट में तो एडजस्ट कर लोगे आप। और उसमें क्या है कि इस तरीका के बुल्ट दिए रहे हैं, तो बुल्ट खोलने पड़े, लगाने पड़े और निकालने पड़े, तो काफ़ी समय लग जा, तो ये भी खास चीज़ दी है। बाकी और बहुत खासियत है भाइयों, जैसे मैं देख रहा हूँ नीचे इसमें हेल्पर दे दिए, ये देखो यहाँ वेल्डिंग का कोई जुगाड़ ना है, बुल्टों के साथ हैं। और यहाँ पे भी जो पत्तियाँ दी हैं यहाँ पे भी वेल्डिंग ना भाइयों, बुल्टों के साथ दी गई हैं। और अच्छे मतलब भाइयों अच्छी क्वालिटी के बुल्टों का इन्होंने प्रयोग किया, ये देख लो। तो तब से चला रहे हैं जैसे एक सीजन, भाई साहब इधर देखो जैसे चला रहे एक सीजन, कोई मेंटेनेंस तो ना आया? नहीं कोई मेंटेनेंस नहीं। अच्छा बिल्कुल भी ना? इसमें बेहतर औरों से ये लगा, औरों हाँ। में ये नहीं है हेल्पर। अच्छा तो पे एक हिस जाते हैं हाँ। उनमें दिक्कत आती कहाँ बनवावा कैसे, इधर खोलो हाँ। और एकदम डालो या, हाँ और लगा लो अगर ये भी घिस जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नो भी ना कहीं मिस्त्री का जाना ना कहीं कुछ नहीं। अच्छा वहीं मिल जाए, वहीं मिल जाए तो तुम्हारे तो पड़ा है। खुद आ रहे भैया पूछ रहे हैं कैसा चल रहा कैसा, हमें पूछने सही बताइयो सही में बिल्कुल में सीरियस में। कभी कोई और किसान ले ले पूछने ही ना पूछे, तो 10-12 रूटर आने वाले हैं हमारे। अच्छा हाँ जी हाँ ऐसे ही हाँ, फिर दान जी जरा आप बताए ये ला रहे हैं। अच्छा आप भी लेके आ रहे हो जी? अच्छा आप चलता देख रहे हो इसे तो संतुष्ट हो? बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, ये भी एक लेने के लिए कह रहे हैं और किसान साथी बता रहे हैं कि और हमारे रिश्तेदार मित्र जैसे हम जो देखते जा रहे हैं लोग वो लेते जा रहे हैं। बाकी देखने में क्वालिटी वाइज भी काफ़ी शानदार है भाइयों। तो अभी चलता भी दिखाऊंगा भैया, एक बार थोड़ा चलता और दिखाओ इसे, ये बच्चा उतार लियो थोड़ा सा यहाँ से। तो भाइयों चलता भी दिखाऊंगा, ट्रैक्टर भी दिखा दूँ इस पे 5105 पे लगा है यू, तो किस तरीके की ये भाइयों जुताई वगैरह कर रहा है वो चीज़ तो चेक करनी पड़ेगी ना। ये देख लो भाइयों काफ़ी शानदार है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बता दियो जैसी भी जुताई कर रहा हो। और एक चीज़ मुझे खास देखने को मिल रही है कि गन्ना वीडर के अंदर बिल्कुल भी खड़का ना है, समझे जी, बिल्कुल पास में चल रहा हूँ गन्ना वीडर के, खड़क पड़क कुछ भी ना है और काफ़ी शानदार तरीके से जुताई करता जा रहा है, ये देख लो। बाकी अभी गहराई भी चेक कराऊँगा मैं, तो भाइयों बाकी अभी गहराई भी चेक कराऊँगा। सोनू खोद के दिखाइए एक बार, ये देखो भाइयों गहराई भी काफ़ी शानदार लेता जा रहा है। तो भाइयों बहुत शानदार तरीके की जुताई, शानदार गहराई और छोटे ट्रैक्टर पर कामयाब, तो ये भी काफ़ी शानदार है। देखो कितने शांत तरीके से चल रहा है, ये देख लो भाइयों बिल्कुल पास में हूँ मैं। अच्छा इस पर तो लोड ही ना मानना ट्रैक्टर है, कितनी RPM पे है? 1200 पे ही, 1200 पे देख रहा हूँ भाई, देख लो 1200 पे है। क्लच दबा दी भाई ने और RPM बिल्कुल वहीं की वहीं जमी पड़ी है, छोड़ियो क्लच, ये देखो भाई ये तो फ्री चला है बिल्कुल भाई, ये फ्री चल रहा है बिल्कुल फ्री, हाँ ये देखो भाई बहुत शानदार। ये बताओ कि तुम चलाए करो या भैया चलाए करें इसे? तुम ही चलाए करो, ये बड़े भैया तुम्हारे। तो जैसे अभी 40 पे चला रहे हो और तुमने बताई कि इसे मैसी 10-35 पे भी चला लें जी, तो उस पर बढ़िया चले, उस पर भी सेम कंडीशन। देखो एक चीज़ ये बताइयो, मानो कल को कोई किसान साथी 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पे आपके कहने पर ले आवे, देखो आपकी बात पर विश्वास करके सब किसान भाई, हाँ तो कोई किसान देखो मेरा फंसना ना चाहिए, अपना किसान कोई फंसेगा नहीं। अच्छा 35 भी चला लेगा तो ये तो काफी शानदार है। हमारे चाचा पे है 35 ट्रैक्टर, देखो वो खड़ा सामने, हाँ 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 उसी पे जोड़ा। अच्छा वो भी चला, वो अपना काम कर लेते हैं उस पे जोड़ के। अच्छा कर लें वो भी, हाँ। तो ये भी अपना काम कर लेते हैं हमारे अंकल। अच्छा जैसे 10-12 RPM पे ही चला रहे हो तुम? 12 पे, मैं तो 12 पे ही चलाता हूँ। तो तेल का खर्चा क्या आ रहा भैया फिर? 400 ग्राम मात्र बीघे का, तो यू भी बढ़िया जी है।
मतलब कमाई का सौदा है, अपना भी काम करो और बाहर का भी काम करो। हाँ, और सीजन में तो बहुत ज़्यादा काम आवे इसका। बिल्कुल भाई, ये देख लो 5105 पर चला रहे हैं, ये देख लो ट्रैक्टर इनका, और काफ़ी शानदार जुताई करता आ रहा था। वाकई जैसे 5105 चल रहा था, बिल्कुल भी RPM ड्रॉपेज ना थी, तो 3500 ट्रैक्टर से खींच लेगा। खान साहब, आपने आज मेरे सामने चलता देखा, यू पहले भी चलता देख रहे, चलता देख तो रहे, खुश हो इसकी परफॉर्मेंस से? फर्स्ट क्लास, खुश है जी, बढ़िया। अच्छा, आप भी लेकर आ रहे हो, तो आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है? मैसी। हाँ, 10-35। अच्छा, वो आपका ही ट्रैक्टर पीछे जो खड़ा है? जी। तो डर सा तो ना लग रहा है, चला पाएगा कि ना चलाया? एक दो बार सही सही बताइयो। हाँ, अच्छा भैया बताइयो, पे है तो चलाए चलू ही। अच्छा, तो हिसाब से लेकर मौके पे चलवा लो। अच्छा भैया, कहाँ साहब बता रहे हैं कि चला के देखा तो वाकई शानदार चला। तो भाई ये भी झूठ ना बोले, सही बताऊं, 35 हॉर्स पावर से लेके और 60, फिर तो कितनी ऊपर HP ट्रैक्टर हो चला ही सके भाई। जो छोटे किसान हैं, मतलब छोटे ट्रैक्टर वाले किसान हैं, वो भी ले सकें, ये देख लो। बाकी भाई, और नंबर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा उनके, क्योंकि प्रोडक्ट इतना शानदार लगा है मुझे कि किसानों के बिल्कुल हक का प्रोडक्ट है। तो नंबर जो डिस्प्ले पर दिख रहे हो, इन पर कॉन्टैक्ट कर लियो, इन पर कॉन्टैक्ट करके भाइयों, जो भी जानकारी लेनी है, गन्ना वीडर खरीदना है, उस बारे में पूरी समस्या का तुम्हारा समाधान हो जाएगा। बाकी नन्ने खां जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी शानदार जानकारी दी वीडियो में, और चलता हुआ भी मैंने दिखाया। तो अगर कुछ चीज़ छूट गई हो मुझसे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से 100% आपको गन्ना वीडर की परफॉर्मेंस भी दिखाई, चलता हुआ भी दिखाया, और जो किसान साथी को इसके बारे में जितनी भी नॉलेज थी वो चीज़ें दिखाई। बाकी भाइयों, ये अमर इंडस्ट्री वालों के यहाँ से है, नंबर आपको डिस्प्ले पर भी मिल जाएंगे और यहाँ पर भी नंबर दिख रहे हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। गन्ना वीडर हमें काफ़ी शानदार लगा। वैसे अमर वाले इसे इंटरो वीडर के नाम से मार्केट में बेच रहे हैं। बाकी कई सारे नाम हैं भाइयों इसके, गन्ना वीडर गन्ना रूटावेटर भी बोल दें, और भी बहुत सारे नामों से जाना जा। तो भाइयों, वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बता दियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, और भाइयों हो सके तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दियो। ऐसी शानदार शानदार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम।